फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और आपको स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ और एक न्यू रेसिपी। फ्रेंड्स, ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है और एकदम हेल्दी तरीका से बनाएंगे। फ्रेंड्स, चावल आटा से डोसा बना के तैयार करेंगे। बहुत ही इजीली ये बन जाएगी, कम समय में एकदम क्रिस्पी, क्रंची और हेल्दी तरीका से बन के तैयार होता है। अगर मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को फुल वॉच करिए फ्रेंड्स, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और प्लीज फ्रेंड्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो आइए कैसे इसको बनाते हैं, वीडियो को फुल वॉच करिए तब आपको पता चल जाएगी। छोटा वीडियो है, फुल वॉच करिएगा। तो इसके लिए चाहिए चावल का आटा। तो देखिए, मैंने एक बाउल लिया और एक कप मैंने चावल आटा डाला। तो चावल का आटा मार्केट से भी इजीली मिल जाता है और अपना घर में भी उसको इजीली बना सकते हो। तो इसमें कुछ सब्जी मिलाएंगे, कुछ धनिया पत्ता देखिए मैंने चप करके डाला है और शिमला मिर्च को भी कुछ मैंने चप करके डाला और प्याज को भी इस तरीके से चप किया, दो से तीन हरी मिर्ची को चप करके डाला है। आपके पास गाजर है तो गाजर भी डाल सकते हो फ्रेंड्स इसमें। और स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे और अच्छा से सूखा ही पहले इस तरीके से मिक्स करेंगे। और अपना इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने ना थोड़ा सा, देखिए हाफ चम्मच करीब ना, छोटा चम्मच से हाफ चम्मच करीब काश्मीर वाला रेड चिल्ली पाउडर डाला। और उसके बाद ना इसमें डालेंगे पानी। तो जिस कप से चावल का आटा लिया है उसी कप से एक कप चावल का आटा से डेढ़ कप पानी मिलाएंगे और डेढ़ से दो कप भी मिला सकते हो आप। तो ये देखिए मैंने डेढ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। तो ये देखिए बस अच्छा से मिक्स कर दिए। और अच्छा से मिक्स करने के बाद उसको ना रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि चावल का आटा बाद में फूलता है, तो इसलिए उसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुका है और चावल का आटा भी फूल चुका है। तो ये देखिए, देखिए इसमें और थोड़ा सा पानी मिलाएंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, लग रहा है इसमें हमारा डोसा बनके तैयार होगा। तो हल्का गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए और उसके बाद ना डोसा बनाना शुरू करिए। तो चलिए फ्रेंड्स गैस का तरफ। तो ये देखिए मैंने ना गैस पे चढ़ा दिया तवा, और तवा जैसे गर्म हो जाएगी ना इसमें ऑयल देखिए इस तरीके से ग्रीस कर देंगे अच्छा से। और उसके बाद इस तरीके से करछी से लेके ना बैटर को ऐसे डालेंगे। तो ये देखिए डोसा जैसे नहीं डालेंगे, जैसे नीर डोसा बनाते हैं ना ऐसे ही डालेंगे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके ना इस तरीके से सारा तवा पे फैला देंगे इस तरीके से। बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत ही हेल्दी भी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सब्जी वगैरह भी डाला है और चावल का आटा से बनाया, तो बहुत ही हेल्दी होता है। बच्चा से बूढ़ा सब खाएंगे, खा सकते हैं और पसंद भी आएगी सबको। तो बस अभी कुछ मिनट के लिए छोड़ देंगे, बस 1 मिनट तक इस तरीके से गैस का फ्लेम ना मीडियम टू लो रखें, लो बिल्कुल नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे। और हल्का हल्का ना ऊपर से जैसे सेक जाएगी इस तरीके से ना ब्रश से ऑयल लगा देंगे थोड़ा थोड़ा, इससे बहुत ही क्रिस्पी बनता है डोसा। बस इस तरीके से देखिए है ना बहुत ही आसान। तो ये देखिए कितना ईजी है, 2 मिनट में ही ये बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और तवा को इस तरीके से ना इस तरीके से घुमाएं, क्योंकि समान तरीके से सीख जाएगी हमारा डोसा, बस ऐसे ही। और उसके बाद देखिए ये आसानी से तवा छनने लग गया। तो इस तरीके से ना आप ना 1 तरफ भी सेक के खा सकते हो, लेकिन मैं ना क्या करूँगी थोड़ा पलट दूँगी कुछ सेकंड के लिए, बस इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए बस। और ये हमारा डोसा बन के तैयार हो चुका है, कितना ईजी देखिए और कितना जल्दी बन गया। तो ये देखिए उसका कलर भी देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कितना क्रिस्पी बना है और जालीदार कैसे बना है, देखिए पता चल रहा है ना फ्रेंड्स पूरा क्रिस्पी। तो आप भी इस तरीके से बनाएं, सच में बहुत ही टेस्टी होता है। बस अभी क्या करेंगे, एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और सेम प्रोसेस में जितना भी बैटर है ना ऐसे ही, और इस तरीके से जितना भी बैटर है बना के तैयार करेंगे। तो देखिए पहले ना तवा को क्लीन करेंगे, उसके बाद
तेल ग्रीस करेंगे और सेम प्रोसेस से इस तरीके से बैटर डालेंगे। और तवा ना गर्म होना चाहिए फ्रेंड्स, तवा बिल्कुल ठंडा तवा में ना बैटर नहीं डालेंगे, नहीं तो चिपक जाएगी, अच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके से गर्म होना चाहिए। तो इस तरीके से आप डोसा बना के, और आपको ना जब भी डोसा खाने के लिए मन होगा तो इस तरीके से तुरंत चावल का आटा से पानी डाल के घोल बनाए और इस तरीके से डोसा बना के खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। तो ये ले जाइए फ्रेंड्स, देखिए मैंने डोसा का साथ मैंने चटनी लिया ही, बादाम का और टमाटर का चटनी, टमाटर बादाम मिक्स करके मैंने चटनी बनाया था, तो उसका साथ मैंने लिया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, और देखने में जैसे खाने में ऐसे ही टेस्टी है और हेल्दी है सबसे, और सब्जी वगैरह में डाला है ना उसी से बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना जालीदार और क्रिस्पी दिख रहा है। बस इस तरीके से आप भी बनाए और आपका परिवार के साथ एंजॉय करिए, और अपना बच्चा का टिफिन में भी इस तरीके से बना के दे सकते हो, बच्चा खुश होकर खाएंगे। तो है ना फ्रेंड्स कितना ईजी। तो मेरा रेसिपी आप लोगों को कैसे लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ना फुल वॉच करना फ्रेंड्स, स्किप बिल्कुल भी ना करिए। तो आज के लिए टाटा फ्रेंड्स, बाय बाय।